हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे आज कपकेक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही बारीकी से समझाने वाली हूँ और आपको टिप्स के साथ आपको ये बताऊँगी कि आप किस तरह से कर सकते हो और परफेक्ट कपकेक आपके किस तरह से आप बना सकते हो। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है जो वेनिला कपकेक की मैं शेयर कर रही हूँ। मेरे व्यूवर की रिक्वेस्ट पे मैंने आज ये बनाया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप ऑल पर्पज़ फ्लोर लिया है। ये मैदा मैंने 140 ग्राम लिया है। साथ में मैंने यहाँ पर ले लिया है 2-3 कप पीसी हुई चीनी। आप यहाँ पर कास्टर शुगर भी ले सकते हो, ये मिनिमम है 125 ग्राम। और यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब मैंने ले लिया है बेकिंग पाउडर, ये 3 ग्राम के करीब है। अब यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून के करीब लिया है वेनिला एसेंस। आप यहाँ पे कोई और एसेंस यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लोर। ये कॉर्नफ्लोर को यूज़ क्या होगा मैं आपको बाद में बताती हूँ। यहाँ पे मैंने 1 छोटी कटोरी बटर ले लिया है, ये बटर है 50 ग्राम। और यहाँ पे मैंने ले लिया है मिल्क भी मैंने ले लिया है 50 ml के करीब। यहाँ पे मैंने लिया है 4 अंडे। तो इतनी चीज़ें हम यूज़ करने वाले हैं। इसका मेजरमेंट अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले मैं यहाँ पे अंडे तोड़ लूँगी। हमें 4 अंडे इसी में डाल देने हैं। चलिए इसे हम बीट करते हैं। ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। फिर हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके शुगर डालेंगे, फिर बीट कर लेंगे। ये देखिए, ये थोड़ा सा लाइट कलर हो जाए तो हम तीसरा पार्ट डालेंगे, यानी ये शुगर को 3 पार्ट में हमें डिवाइड करके डालना है। इसमें मैं डाल देती हूँ। देखिए, मैं आपको बंद करके बताती हूँ ये कितना फ्लफी हो रहा है और व्हिप अच्छे से हो रहा है। ये अभी पूरा नहीं हुआ है, हमें और थोड़ा सा करना है। ये देखिए, ये इतना व्हिप हुआ है और व्हिप होगा। ये जब तक लाइट बहुत नहीं हो जाता है, व्हिप क्रीम की तरह इस तरह हमें करना है। देखिए, ये हो चुका है। आपको किस तरह पता चलेगा, ये देखिए, ये जब रिबन की तरह गिरने लगेगा तो आपको समझ लेना है कि ये हो चुका है। ये देख सकते हो आप। अब इसे बीटर को हमें साइड में रख देना है। आप देख सकते हो ये कितना फ्लफी हुआ है। एग और शुगर मिक्स होती है तो ये इस तरह फ्लफी हो जाता है। ये यहाँ पे करते हुए 5 मिनट ही हुए हैं तो ये इस तरह से हो चुका है। अब ये रेडी हो चुका है। अब आती है ड्राई इंग्रेडिएंट्स की बारी, तो इसे हम साइड में रख देते हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स के लिए मैं यहाँ पे एक प्लेट ले लेती हूँ और इस पर ये रख देती हूँ। तो आप सोच रहे होगे कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने जो मैदा लिया है, तो बहुत सारी जगहों पे केक जब हम बनाते हैं तो उसमें लिखा हुआ होता है या फिर वहाँ पे बोला जाता है कि केक फ्लोर का इस्तेमाल करें। तो केक फ्लोर को बनाने का आसान तरीका है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे रख दूँगी और इसमें से मैं इस तरह से 2 टेबल स्पून मैदा निकाल दूँगी। ये देखिए, फ्लैट करके इस तरह से मैं 2 टेबल स्पून मैदा निकाल देती हूँ और इसकी जगह पे मैं 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाल देती हूँ। तो इसी तरह से मैं कॉर्नफ्लोर का यूज़ कर रही हूँ। ये पूरा ही 2 टेबल स्पून है, मैंने इसे डायरेक्टली मेज़र करके रखा था। अब ये हो चुका है, यानी ये हो चुका हमारा केक फ्लोर। तो केक फ्लोर को इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल देती हूँ ये केक फ्लोर, साथ में ही यहाँ पे जाएगा ये बेकिंग पाउडर और इसे मैं छान लूँगी। ये देखिए, ये हमारा केक फ्लोर रेडी है। तो चलिए इन दोनों को हम साइड में रख देते हैं।
अब आता है हमारा अगला स्टेप। तो अगले स्टेप के लिए मैं क्या करूँगी, इस बटर को इसमें डाल देती हूँ कप में। साथ में हमें इसमें डालना है मिल्क। मैं यहाँ पे इसे गरम कर देती हूँ, इसे बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना है, यानी बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, 10 सेकंड बहुत है, क्योंकि हमें इसे सिर्फ और सिर्फ बटर को मेल्ट करना है। तो इसे मैं गरम पहले कर देती हूँ, तो चलिए कर लेते हैं। ये देखिए मैंने 10 सेकंड ही किया है तो ये मेल्ट हो चुका है। थोड़ा सा आपको लगता है तो इसे चला लीजिए तो बटर मेल्ट हो जाएगा। आपके ओवन पर डिपेंड करता है कि आपको 10 सेकंड लगता है या फिर 50 सेकंड, लेकिन आप अगर गैस पे करते हो तो थोड़ा सा वार्म ही कीजिए मेल्ट होने तक, और कुछ नहीं करना है आपको। इसे अच्छे से चला लीजिए। हम इसे साइड में ठंडा करने के लिए रख देते हैं और बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल देते हैं। तो चलिए इसमें आप सबसे पहले डालेंगे ये थोड़ा सा फ्लोर, आपको इसे एक ही डायरेक्शन में चलाना है, क्योंकि हमने इसे जो व्हिप किया है तो ये जो अंडे का फ्लफीपन है ये बैठना नहीं चाहिए। ये देखिए अब हम थोड़ा सा और डाल देते हैं। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हमने जो मिल्क को गर्म किया था उसमें डाल देंगे ये वेनिला एसेंस और इसे अच्छे से चला लेंगे। हमें इसमें थोड़ा थोड़ा डालना है और मिक्स करना है। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसमें ना आपको कोई गुठली दिख रही होगी ना मैदे के लम्स दिख रहे होंगे। ये देखिए ये कितना अच्छा फ्लो हो रहा है। ये देखिए इस तरह से अच्छे से नीचे तक आप मिक्स कीजिए, और आपने देखा होगा कि ये फ्लफी जैसा है वैसा ही है, थोड़ा ही बैठा है, बहुत ज़्यादा ये बैठ नहीं चुका है, बहुत ज़्यादा चला देना रही है। सिर्फ इस तरह से करके इसे इस तरह से उठाना है, इस तरह से करके ये अपने आप ही इसमें मिक्स हो जाएगा। अब बहुत ज़्यादा मैं देर नहीं करूँगी। देखिए ये मैंने इस तरह का मोल्ड लिया है और इस तरह का रेडीमेड पेपर आता है कपकेक के लिए, तो इस तरह से इसमें डाल देंगे हम। मैं आज आपको दो टाइप से बता रही हूँ, जिसके पास ये मोल्ड नहीं है या फिर ओवन नहीं है, तो मैं दोनों चीज़ें आपको बता रही हूँ। मैं इसे मिक्स कर रही थी जब तक मैंने प्री हीट ओवन करने के लिए रख दिया था 170 डिग्री पर। तो ये जब तक प्री हीट हो रहा है तो मैं जल्दी से इसमें फिल कर लेती हूँ। ये देखिए इसमें इस तरह से भरना है, हमें इस तरह से इसमें डाल देना है। मैंने 6 कपकेक भर लिए हैं, 3/4 पार्ट भरना है, क्योंकि ये फ्लफी होगा जब ये उठेगा तो यहाँ तक आएगा। तो इसे प्रीहीट ओवन में 30 मिनट के लिए प्रीहीट ओवन में 170 डिग्री पर बेक करने के लिए रख देती हूँ, फिर हम देखते हैं। ये अच्छे से हो चुके हैं। मैंने यहाँ पे 25 मिनट ही किया था और फिर मैंने चेक किया तो ये हो चुके हैं। मैं इसे आपको निकाल कर बताती हूँ। ये देखिए ये अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, आप ऊपर से कवर भी देख सकते हो। यहाँ पे 25 मिनट में ही ये बेक हो चुके हैं। आपके ओवन पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी मिनट लगेगी, तो आप पहले 25 मिनट होने के बाद आप पहले चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा पार्ट कच्चा है तो आप इसे फिर से रख सकते हो। तो मैं आपको टूथपिक की मदद से बताती हूँ। ये देखिए ये अच्छे से क्लीन निकली है, तो ये हो चुका है। हम इसे थोड़ा सा रेस्ट करने देंगे, तो रेस्ट करने के लिए इसे हम ढक देंगे ताकि जो ऊपर का फॉर्म है यानी जो ऊपर की सतह है वो कड़क नहीं होनी चाहिए, इसे हम ढक देंगे। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए इसे हम अब ये देखिए ये क्लीन निकला है। मैं आपको एक इसे रिमूव करके बताती हूँ। ये देखिए ये परफेक्ट बना है, ये आप देख सकते हो कुक भी अच्छे से हुआ है। तो इसे आपको तोड़कर बताती हूँ। ये देखिए है ना बाजार जैसा और फ्लफी। ये देखिए ये कितना स्पंजी है। आप इसे इस तरह से प्लेन भी खा सकते हो, लेकिन मैं इसे क्रीम से डेकोरेट करूँगी और फिर सर्व करूँगी। आप डेकोरेट किस तरह से भी कर सकते हो। ये कपकेक आप देख सकते हो कितने खूबसूरत लग रहे हैं।
आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी किस तरह से लगी है। मैं आपको दूसरा स्टेप भी बता देती हूँ। बहुत सारे व्यूवर्स का ऐसा कहना है कि हमारे पास ओवन भी नहीं है और साथ में ही मोल्ड नहीं है कपकेक के लिए। तो देखिए, इस तरह से कोई भी कप जो पेपर वाला हो, तो ये आप देख सकते हो, प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, पेपर वाला होना चाहिए। जो हम चाय पीते हैं या फिर नॉमिनल जो ग्लास मिलता है पेपर वाला, आप वो यूज़ कर सकते हो। तो देखिए, मैं इसे भी भर देती हूँ। अगर आपके पास इस तरह से कप भी नहीं है, तो आपके पास ऐसे कोई बाउल हो तो इसमें भी इस तरह से पेपर डालकर आप रख सकते हो। तो देखिए, मैं इसे इस तरह से भर लूँगी। इसमें भी आप फिल कर सकते हो इस तरह से। ये देखिए, आपको इस तरह से भर लेना है। ये आप देख ही सकते हो कि चार अंडों में हमारे ऑलरेडी 6 कप जा चुके हैं, यानी कपकेक जा चुके हैं। ये मिनिमम 8 कपकेक और बने हैं, तो 4 अंडों में इतना सारा बन चुका है। अब मैं आपको इसको कुकर में रखकर बताती हूँ किस तरह से आपको करना है। ये देखिए, मैंने इसे प्रीहीट करने के लिए रख दिया था। मैंने यहाँ पे सॉल्ट डाला है और साथ में ही मैंने डाला है ये रिंग, और इसके ऊपर मैं डाल दूँगी ये प्लेट जो जालीदार है, तो इसके ऊपर हम इजीली रख सकेंगे। ये मैंने रख दिया है और मैं इसे तुरंत बंद करती हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे रबड़ नहीं यूज़ किया है, ना ही व्हिसल डाला है, तो इसे मैं करती हूँ बंद। अब हम कुकर के कपकेक भी चेक कर लेते हैं। इसे भी मुझे 25 मिनट लगे हैं, तो हम पहले चेक कर लेते हैं। तो मैं इसे खोल देती हूँ। ये देखिए, हम इसे भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये क्लीन निकला है, तो मैं गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे 25 मिनट के लिए धीमी आंच पर इसे बेक किया है। कुकर में आप कभी भी कपकेक करोगे तो ये जो ऊपर का पार्ट है वो ब्राउन नहीं होगा, वाइट ही रहेगा। ब्राउन आपको ओवन में बेक हो जाएगा। तो ये हो चुके हैं, मैं इसे भी बाहर निकाल देती हूँ। ये देखिए, ये कितने फूल कर बड़े हुए हैं। आपको इस कप में प्रॉपर शेप नहीं मिलेगा। आप जो भी बना रहे हो कप मोल्ड में बनाओगे तो आपको प्रॉपर शेप मिलेगा। जिस तरह से ये भी, जिस तरह से मैंने बनाया, देखिए, ये देखिए, ये जो मैंने बनाया ये भी शेप प्रॉपर बनेगा और ये भी अच्छा लगेगा आपको, लेकिन वो प्रॉपर शेप नहीं बनेगा। अब हम इन सभी को ठंडा करके मैं आपको इनका रिज़ल्ट बताती हूँ, फिर हम इसे डेकोरेट करेंगे। मैं आपको इसका भी रिज़ल्ट बता देती हूँ कि जो हमने कुकर में किए थे वो किस तरह से बने हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं इसे ही निकाल कर आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये भी परफेक्ट बने हैं। ये आप इसका देख सकते हैं। ये देखिए, ये भी स्पंजी बने हैं। तो आप कुकर में भी जब कर रहे हो तो भी ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। सिर्फ आपको ये इतना फर्क पड़ेगा कि जो आप ओवन में बनाते हो ये ब्राउन बनेंगे, और जो आप कुकर में बना रहे हो तो इस तरह से आपको वाइट कलर के मिलेंगे। आप बहुत ज़्यादा पकाओगे और ब्राउन करने की कोशिश करोगे तो ये अंदर से ड्राई हो जाएंगे, और साथ में ही ये टेस्ट में भी फ़र्क करेंगे। इसके लिए आप इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी तरह से खाइए और इसे डेकोरेट कीजिए। अब मैं आपको ये कप वाले भी निकल कर बताती हूँ किस तरह से बने हैं। थोड़े से साइड से थोड़े से ब्राउन हुए हैं, लेकिन ऊपर से तो वाइट ही है। तो ये भी हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये स्पंज ऐसा ही बना है जिस तरह से ओवन में बनता है। आप कुकर में भी इजीली बना सकते हो, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये मैंने जो ओवन में बनाए थे वो है जिसे मैंने डेकोरेट किया है। इसे मैं आपको नज़दीक से बता देती हूँ। ये देखिए, ये कितना खूबसूरत और कितना प्रीटी लग रहा है। मैं आपको कुकर में जो मैंने कपकेक बनाए हैं उसे मैं सर्व करके बताती हूँ कि वो भी किस तरह से लग रहे हैं। ये देखिए, ये छोटे वाले कप भी रेडी है जो मैंने कुकर में बनाए थे, ये भी रेडी है। ये भी बहुत टेस्टी बनते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये कपकेक भी किस तरह से लगे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मेरी अगली रेसिपी के साथ और इसी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।